हेलो एवरीवन, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। प्रीवियस पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब हमारा टॉपिक आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल किस तरीके से होगा? फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अपवर्ड डायरेक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, फॉलिंग है, तो वो टुवर्ड्स द अर्थ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अर्थ क्या करेगी? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वो हमारा क्या बन गया? इस क्वांटिटी को, इस थ्योरम को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री फॉल बोल सकते हैं। तो फ्री फॉल हमारा क्या बनेगा? फ्री फॉल व्हेन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, व्हेन objects are attracted towards the earth, towards the earth is called free fall. towards the earth, लेकिन reason क्या है? due to gravitational force. Due to gravitational force is called free fall. Is called free fall. तो उसको क्या बोला जाएगा? Free fall बोला जाएगा। When object towards the earth क्या होते हैं? Attract होते हैं, वो क्या बन जाएंगे? Free fall बन जाएंगे। When object falling, जब object क्या होते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, तो उस टाइम उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। डायरेक्शन डज नॉट चेंज, बट देयर वेलोसिटी विल बी चेंज। उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी विल बी चेंज, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आपका मोशंस वाले चैप्टर के अंदर है, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दोबारा से देखेंगे ध्यान से। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, वो नीचे की तरफ आता है आफ्टर ए सर्टेन हाइट। कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन की वजह से, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब कोई ऑब्जेक्ट फॉलिंग डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। मान लिया हमने इसको इस तरीके से ऊपर किया है, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है? अप्रोक्सीमेट स्पीड होती है, स्पीड को ही वेलोसिटी बोला जाता है। दूसरी बात, वेलोसिटी हम यूज करते हैं सर्कुलर चीजों के लिए, ठीक है। स्पीड होती है जो स्ट्रेट मूव करती है। अब बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन हुआ, कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। अंडरस्टूड? लिख देते हैं दोबारा यहाँ पे सारा। जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है आफ्टर ए सर्टेन हाइट, तो वहां क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये एक्टिविटी आप नॉर्मली भी करके देखते हो। जब ऊपर की चीज कोई फेंकी जाती है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। स्पीड डबल होगी तो वो क्या बना? चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया है, तो उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां फॉर्मूला यूज होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के अंदर क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या यूज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी पुट अप कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से हुआ। एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आया ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या क्यों हुआ, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो हमने एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी को रिप्लेस कर। अब बात करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हमने पढ़ा मास इज इक्वल्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। हमने यहां से ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम, फोर्स डिवाइडेड बाय एम हो गया। तो यहां से ग्रेविटी की वैल्यू, जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू हमने ग्रेविटेशनल में निकाली है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होती है। तो यहां फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, इस एम से ये कैंसिल। तो जो जी की वैल्यू है वो हमारी क्या बनेगी, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डायरेक्ट बन जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगी, आर होती है। तो हम इसकी जगह D की जगह इस R का यूज करते हैं, डिस्टेंस की जगह, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह उसको मेजर करते हैं। सो रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस होती जाएगी फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, इक्वेटर से पोल्स की जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। सो वैल्यू ऑफ G बिकम्स ग्रेटर एट द पोल। तो इस G की जो वैल्यू है पोल्स पे क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है। जब रेडियस इंक्रीज है, रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस है पोल्स के ऊपर, तो इसकी जो ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी देन इक्वेटर, इक्वेटर की वजह। सो जो अर्थ होता है हमारा वो परफेक्टली एक स्फीयर नहीं होता, परफेक्टली स्फीयर नहीं होता अर्थ, इसी वजह से जो उसकी चेंजेस है वो आते रहते हैं, पोल्स पे अलग होते हैं और इक्वेटर पे अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो जी की वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, हम यहाँ पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, जो क्या होती है 6.73, उसके बाद मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तीनों वैल्यू पुट करने के बाद जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइंड इट, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको याद रखना है, जो कि फिक्स वैल्यू है 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मास। मास क्या होगा, मास एंड वेट, मास एंड वेट, मास ऑफ अर्थ इज मेजर इनर्शिया। जो मास होगा वो किसी अर्थ का, जब इनर्शिया मेजर किया गया किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो उसका मास है। अगर वो ऑब्जेक्ट हैवियर है तो उसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो मास ज्यादा है। तो जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा ऑल प्लेसेस, ऑल प्लैनेट्स, अर्थ एंड मून,
मून है या वो अर्थ है, तो जितना भी मास है, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को किसकी वजह से करता है, डिपेंड्स ऑन मास, मास पे डिपेंड होता है। जिसका मास क्या होगा, बिगर होगा, ज्यादा होगा, वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, करता है। तो जो मास होता है वो एवरी प्लेस इज कॉन्स्टेंट रहता है, तो मास में हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस। कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस। बट वेट क्या होगा हमारा, जो वेट है वो क्या होगा, वेट इज चेंजेस प्लेस टू प्लेस, जो वेट होता है वो है चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ऊपर से कोई भी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है तो उसका जो वेट है उसकी वजह से आई है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ने कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, वो हमारा क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। तो वेट हमारा क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction of earth towards the object object is called weight। तो weight को हम क्या ले लेंगे, mass into gravity, क्योंकि हमने क्या लिया था, force को, mass into gravity। तो वही चीज क्या है, फोर्स जितना लगा है किसी ऑब्जेक्ट का वही वेट है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो ऑब्वियस है कि वेट की भी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन बन जाएगी। आई बात समझ, ये होता है हमारा वेट। अब बात आती है कि जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। वेट के अंदर चेंजेस आते हैं प्लेस टू प्लेस, वो किस तरीके से, कि जब किसी भी चीज का जो वेट है वो 1/6 होगा अर्थ के वेट से। अर्थ का जो वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख दू अगर मैं यहां, तो 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द अर्थ, अर्थ के वेट से 1/6 होगा। सो वेट इज चेंजेस प्लेस टू प्लेस। तो जो वेट है एवरी प्लैनेट, क्योंकि जो वेट है वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, बट ग्रेविटी तो एवरी प्लैनेट पे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा, और 1/6 होगा अर्थ के वेट से। आई बात समझ, तो ये है हमारा वेट का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, लेकिन जो थ्रस्ट है वो अप्रोक्सीमेट प्रेशर होते हैं जो, तो उसी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या हो। प्रेशर होता है हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से। मान लिया हम एक स्टैंडिंग पोजीशन में किसी लूज सैंड पे खड़े हैं, ठीक है, लूज सैंड पे हैं, तो हमारे फिट ने जितना प्रेशर लगाया, एरिया कम है लेकिन प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सो प्रेशर इज इनवर्सली है एरिया के, डायरेक्टली है थ्रस्ट के। तो जितना थ्रस्ट उतना प्रेशर, लेकिन जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा, जितना प्रेशर ज्यादा उतना एरिया कम, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली टू एरिया। अब कोई भी पर्सन अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसके जो फिट है उन्होंने इतने एरिया पे प्रेशर लगाया, लेकिन कोई पर्सन अगर लेइंग यानी कि लेटा हुआ है, उतने इतने एरिया, एरिया तो उसका ज्यादा हो गया, लेकिन जो लेटा हुआ है वो पर्सन, उसका जो प्रेशर इस एरिया पे लग रहा है वो बहुत कम है। सो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि जो एरिया है वो कम होगा।
तो जो कम एरिया होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहां से आप थ्रस्ट की निकाल सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ये बन जाएगा थ्रस्ट, इसको बोला गया प्रेशर इंटू एरिया को बोला गया, अंडरस्टूड। अब उसके बाद एक पॉइंट और आता है बायंसी। बायंसी क्या होती है? बायंसी हमारी क्या होगी, एक एक्टिविटी देख लेते हैं। जब हमने वाटर से फिल्ड एक बोतल को पानी के अंदर छोड़ा, भरी बोतल को पानी के अंदर छोड़ा, तो वो क्या करती है, इमर्ज हो जाती है। लेकिन जब एक खाली बोतल को क्या करते हो तुम, पानी के अंदर नीचे की तरफ प्रेशराइज करते हो, तो उससे क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर है वो फोर्स लगाएगा, ये बायंसी के अंदर होता है। लेकिन इसको बोला गया डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि उस बॉडी का मास कितना है और जो दो ऑब्जेक्ट है उनका वॉल्यूम कितना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या बनेगी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बन जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। आई बात समझ। अब उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपका गिवन है जो मास एंड वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर 10 न्यूटन है तो हमें उसका वेट निकालना है, वेट निकालना है अर्थ के ऊपर। तो वेट का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी, मास हमारे पास कितना है 10, अगर ग्रेविटी की वैल्यू गिवन थी 9.8 तो 10 इंटू 9.8 यहां बन जाएगा 98 न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके एक या दो जितने भी, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो क्या था हमारा, कि जब अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो जो मून है वो क्यों नहीं नीचे आके गिरता जिस तरीके से एप्पल आके नीचे गिर जाता है। मून को किसने बांध रखा है, बाइंड विद सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ। मून अराउंड द अर्थ चक्कर लगाता है, जिस तरीके से हमने एक्टिविटी को पढ़ा था कि थ्रेड पे स्टोन को बाइंड करके तुम ऐसे घुमाओगे, तो जो अर्थ के साथ मून है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ बाइंड है, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होता तो जो मून है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, और जो ये स्फीयर है, स्फीयर के अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज जाएगी तो उसको बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है इसको, टेंजेंट बोला जाता है। टेंजेंट का मतलब होता है जब कोई स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट एक एंड पे, स्फीयर के एक एंड पे टच करता है तो वो हमारा टेंजेंट बन जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में मून जाता, लेकिन जो मून है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से अर्थ के राउंड चक्कर लगाता, इसी वजह से जो एप्पल है वो नीचे गिरा, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उसी के ऊपर डिपेंड होती है जो वेट है वो एवरी प्लेस, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, बट मास इज कॉन्स्टेंट एवरी प्लेस, हर एक प्लेस पे जो मास है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सी यू अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।